अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बजाएं और ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। आज हम बनाएंगे बटर चिकन। बटर चिकन के लिए चाहिए ग्रेवी और चिकन टिक्का। तो चलिए बिना वक्त गवाए रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो चिकन लिया है। अब इसे मैरिनेट करते हैं। इसमें एक चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक, और आधी चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालकर मैरिनेट कर लेते हैं और आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। अब एक पैन में एक चम्मच तेल और एक क्यूब बटर डालेंगे। इसी के साथ दो कटे हुए प्याज और तीन टमाटर डालकर इसे पका लेंगे। अगर आप डिटेल में इंग्रेडिएंट्स जानना चाहते हैं तो मैंने इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। अब इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे और अब एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 8 काजू डाल लेते हैं, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर मिला लेंगे और 5-7 मिनट के लिए पका लेते हैं। अब हम इसे ठंडा करके इसकी प्यूरी बना लेते हैं। चिकन मैरिनेट करके 30 मिनट हो चुके हैं और अब हम एक पैन में एक चम्मच ऑयल लेकर चिकन को फ्राई करने रख देते हैं। हम चिकन को मीडियम आंच पर दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। अब हमारी चिकन टिक्की फ्राई हो चुकी है और अब इसे निकाल लेते हैं। उसी पैन में आधा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट हल्का भून लेंगे और फिर हमने पहले जो प्यूरी पीस ली थी वो हम इसमें डालेंगे। हमने इस प्यूरी में काजू और बटर डाला है जिसकी वजह से इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ एंड क्रीमी आता है। अब ग्रेवी को बॉईल आ चुका है और अब हम इसमें फ्राई किए हुए चिकन टिक्के डालेंगे और इसके ऊपर एक क्यूब बटर और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर मीडियम आंच पर पका लेंगे। हमारा क्रीमी बटर चिकन बनकर तैयार है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे चावल की रोटी, नान, चपाती
चपाती या फिर राइस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रीमी बटर चिकन बनकर रेडी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।